भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना गया है और इसके बाद अब प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह का सफर शुरू हुआ। विधायक दल के नेता के रूप में शिवराज सिंह चौहान के नाम का प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने रखा। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष पद से गोपाल भार्गव द्वारा इस्तीफा दिया गया। गोपाल भार्गव के इस प्रस्ताव पर नरोत्तम मिश्रा और गोपीलाल जाटव ने समर्थन किया। शिवराज सिंह ने अपने भाषण में कहा कि आज का समय बड़ा ही चुनौतीपूर्ण समय है, कोरोना महामारी के रूप में सामने आया है। उन्होंने पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और सामान्य कार्यकर्ता का आभार माना। शिवराज सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या कोरोना की है, इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्सव का समय नहीं है। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि कोई पटाखे न फोड़े और लोग अपने घरों में रहें। मुख्यमंत्री चुने जाने पर सभी लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को माला पहनाकर बधाइयां दी। गोपाल भार्गव भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधायक शिवराज सिंह जी चौहान का नाम प्रस्तावित है। संगठन तय करेगा, उसको सर माथे पर रखना। सर मौजूदा स्थिति, सर मौजूदा हम नहीं कह रहे, ये तो विपक्ष कह रहा है कि पूरी रणनीतिकार आप हैं। विपक्ष का भी आभार है पर मेरी कोई भूमिका नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं, इस पे क्यों जा रहे हो? की बात है, पूरे प्रदेश की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पुनः विकास की बिल्कुल बिल्कुल जो प्रशासन में जो संविधान के विपरीत जाके थप्पड़ मारेंगे, न्यायालय ने भी उनके खिलाफ एक हेड कांस्टेबल एएसआई को निर्णय किया था, थप्पड़ मारा था। तुम्हारा काम थप्पड़ मारना नहीं है, तुम्हारा काम जो विधायिका, लोकतंत्र में तीन सिस्टम होते हैं, पत्रकारिता है, विधायिका जो निर्णय करती है, विधायिका विधानसभा में जो कानून पारित करती है उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये वास्तव में किसका काम है? ये प्रशासन का काम है। 15 अगस्त को बिल्कुल सही कह रही कांग्रेस, 15 अगस्त को भी कमल ही रहेगा। कौन का? ये भारतीय जनता पार्टी कमल रहेगा। नाथ भी जो है ना अलग प्रकार का जो है ना, कहीं नाथ जो है ना घूम रहे होंगे, उन्हें बहुत लूट लिया, ऐसे डसते रहे, ठक ठक बेरोजगारों को डसा, झूठा वादा किया, 4,000 रुपए नहीं दिए, 2,00,000 रुपए नहीं दिए। ये नाथ जो है ना, ऐसे नाथ ने जो है ना मध्य प्रदेश को डस लिया है। वास्तव में कोई विश्व व्याप्त किया गया है, इसमें अमृत का प्याला लेके कोई आया है, ये मध्य प्रदेश का लाडला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेके आया है। जो भी लोग रहे हैं, जो भी दुर्भावना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए हैं, कोई भी है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ आपके बीच में, ऐसे लोगों को भी टिट फॉर टैट करने का भी सरकार जो गुंडे करते रहे हैं उनके बारे में भी जवाब दिया जाएगा, उनको जवाब दिया जाएगा। मेरे लिए बहुत भावुक पल है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ा काम करने का अवसर देती है। आज मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है, मैं हृदय से आभारी हूँ। मन में संकल्प बस केवल यही है कि जो विश्वास व्यक्त किया है पार्टी ने, उस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। पूरे समर्पण, निष्ठा और परिश्रम पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। लेकिन फिलहाल केवल एक लक्ष्य है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक के जनता को सुरक्षित करना, और इसलिए शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मैं इसी काम में जुटूंगा। अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मैंने अपील की है, मैं फिर अपील करता हूं कि उत्सव का समय नहीं है, जश्न का समय नहीं है, कोई उत्सव ना मनाए,
कोई सड़कों पे ना निकले, घर में रहकर ही भगवान से प्रार्थना करे कि अच्छी सरकार का अवसंचालन हो जनता के लिए, प्रदेश के लिए।